Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात इत्र तस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादिकविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम धामना स्वेन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्णा। कैंटो 3 चैप्टर 7 श्लोका नंबर 11। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्न अपि दृष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुणः। हरे कृष्णा। वेरी नाइस श्लोका। Further inquiries by Vidura, translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. As the moon reflected on the waters appears to the seer to tremble due to being associated with the quality of the water, so the self associated with matter also appears to be qualified as matter. Kisi ke paas Hindi tatparya hai iska? Anyone has Hindi? Hare Krishna. Hare Krishna. You all can hear me? Ji, Mata Ji, kya bol rahe? Yeah. Main keh rahi hu, iska Hindi kisi ke paas hai? Mere paas English hai. Translation. Anyone has Hindi translation? The supreme soul or the supreme personality of Godhead यहाँ पे is compared to the moon. So भगवान यहाँ पे उनकी comparison तुलना की गई है moon से, और जैसे ही उनकी reflection पानी पे गिरती है तो जैसे पानी का क्या nature है वो बहता रहता है ना, तो इसी तरह से जो reflection आती है moon की वो भी शेक होती है जैसे पानी शेक होता है. तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये एनालॉजी दी गई है कि जैसे भगवान मून को हम भगवान समझते हैं और उनकी रिफ्लेक्शन जो है पानी पे गिरती है, और जैसे ही उनका कनेक्शन जो रेज जो मून की रेज है उनका कनेक्शन पानी से आता है तो वो शेक होने लगता है. वैसे अगर पानी स्थिर है तो शेक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसका कनेक्शन, ऐसे तुलना की गई है जैसे ही उनका कनेक्शन मटेरियल से किया गया है, मटेरियल वर्ल्ड से, इस भौतिक जगत से किया गया है, वैसे ही सारी जीव डामाडोल होने लगते हैं. Am I clear on this? Did everyone understand this one? Yes, ma'am. Okay, thank you. ओके तो इसका क्या मतलब है कि जैसे इस भगवान की दो शक्तियां हैं, कौन बता सकता है मुझे दोनों शक्तियों के नाम? बहुत इजी. अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति. हाँ, अंतरंगा शक्ति एंड बहिरंगा शक्ति. सो अंतरंगा शक्ति में क्या है? कृष्णा इज देयर, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, सबको लगता है कि हमारा जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी पीसफुली. इफ यू फील एवरीबडी इज वेरी वेरी कंटेंटेड, सब बहुत खुश है भगवान की सेवा में. देर आर नो आर्ग्यूमेंट्स, देर आर नो फाइट्स, देर इज ओनली ओनली लव फॉर द लॉर्ड इन द अंतर अंतर शक्ति ऑफ द लॉर्ड.
लेकिन जो बाहरा शक्ति है दैट इज व्हाट व्हाट इज द बाहरा शक्ति ऑफ द लॉर्ड, उसको क्या बुलाते हैं हम जी माता जी कुंजेश्वर जी प्रभु, वेरी इजी, व्हाट इज द माया शक्ति, थैंक यू प्रभु जी, माया शक्ति बोलते हैं। तो माया शक्ति में क्या होता है, सबको थोड़ा थोड़ा हिरण्यकशिपु बनना है। हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए था, ही वांटेड टू डू इतनी तपस्या और ब्रह्मा जी से वो बूंद लेना चाहते थे ताकि वो ब्रह्मा जी का भी आसन डामोडोल कर सके और इस पूरे जगत पे अपना राज कर सके, है ना। तो वो ही माया जो होती है, जब हम जीव जो ये शैडो पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, शैडो कब आता है, जहाँ पे अंधकार होता है और लाइट अलग सामने की तरफ होती है ना, ऐसे। तो जब शैडो पड़ता है पानी का, पानी के ऊपर जो अंधकार आता है, उसी तरह से हम जीव जो है माया में पड़ जाते हैं, पानी के संपर्क में आके जो बह रहा है, जो डामाडोल हो रहा है, और इस जगत में जो विषय है उनमें हमारी आसक्ति होने लगती है, हम उसकी इच्छा करने लगते हैं। अनेक अनेक विषय हैं इस जगत पे और इन अनेक अनेक विषयों में हमारी आसक्ति होती है, हम उसकी इच्छा करने लगते हैं। ठीक, व्हाट इज अ श्लोका विद दिस कनेक्टेड, विषयों के ऊपर इस जगत में अनेक अनेक विषय हैं और हम उससे आसक्त होते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब हम आगे 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 और इल्यूजन में बढ़ते जाते हैं। व्हाट इज दैट श्लोका इन भगवत गीता, वेरी इजी श्लोका। हरे कृष्णा माता जी। जी माते हेमांगी राधिका मात राधा माते जी। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तो शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह, बोलिए अगर आता है तो। यस माता जी, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात विनश्यति, बुद्धि नाश हो जाती है जब हमारे इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम अपने कर्मों का बंधन रोल करते रहते हैं और अलग अनेक अनेक कर्म बनाते जाते हैं और इसी कर्म बंधन में बंधते जाते हैं और फिर ये जीवन मृत्यु का चक्कर हमारा चलता रहता है, ठीक है। बट अगर हम इसके विपरीत जाते हैं, इसके विपरीत जाते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी सारी इंद्रियां जो हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो कृष्णा की अंतरंगा शक्ति है उसमें लगाते हैं, तब क्या होता है उसमें, कैन एनीवन टेल मी। फिर हम विषयों को देख के विस्मित या परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो रिफ्लेक्शन पानी पे है, जो पानी डामाडोल हो रहा है, फिर हमारा वो रिफ्लेक्शन ऐसे अप एंड डाउन नहीं होएगा, करेक्ट। हिमांगी राधा माता जी वांट टू से समथिंग? नो नो माता जी। ओके, सो वैसे ही हमारा रिफ्लेक्शन अप एंड डाउन नहीं होगा जब हम अपना कॉन्सेंट्रेशन, हम अपनी पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगाएंगे। और हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, Who can tell me? हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम भगवान की सेवा नवदा भक्ति करके कर सकते हैं। Yes, प्रभु जी माता जी please tell me your input also. हम भगवान की सेवा नवदा भक्ति करके कर सकते हैं और जब हम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम करते हैं, ये सब करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है जिससे हमारी भक्ति और बढ़ती है, ठीक। हमारी भक्ति और भक्ति और हम इन विषयों से परेशान नहीं होते और हम इनसे दूर नहीं भागते हैं। वी डोंट हैव टू कट एनीथिंग, वी हैव टू जॉइन आर इंद्रियज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ऐसे होता है।
जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम अम्बरीश महाराज, ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। तो भगवान हमें इंश्योर कर रहे हैं, री इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आप मेरे शरण में आते हो सर्व धर्मान परित्यज्य, देन आई विल टेक केयर ऑफ यू, डू नॉट फियर मा सुच हर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद, दैट शिला प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस ब्यूटिफुल पैकेज, जहाँ पर हम अपना, अगर हमें कुछ खाना है तो हम भोग लगा के प्रसाद ले सकते हैं, अगर हमारे पास जो भी क्वालिटीज है, कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकता है, कोई अच्छा घर बना सकता है, कोई फ्लावर गार्लेंड्स बना सकता है, या बिकॉज वी ऑल, हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कोई अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, कोई अच्छी रेसिटेशन कर सकता है, कोई अच्छी रीडिंग कर सकता है, कोई अच्छी what else we can do in the service of the Lord, there are so many whatever is there in this world, jo bhi vishay hai in this world, it can be applied in the service of the Lord, bhagwan ki seva mein hum laga sakte hain, hai na। jaise abhi hum ajamil ko dekhe, ajamil ka kya story thi ki wo ek brahman ka putra tha, lekin wo alag uska एसोसिएशन हुआ और दैट्स व्हाई उसकी फॉल डाउन हुई। बट जब उसका एसोसिएशन नारायण से हुआ, खाली नाम उच्चारण से, तब उसका उद्धार हो गया। इसी तरह से मृगारी को नारद मुनि ने कहा, क्या तुम ये जो जंप मारते सॉरी ये जो एनिमल्स को तुम मार रहे हो, क्या तुमको इसका कर्मा नहीं लगेगा? तुम्हें इसका कर्मा जरूर लगेगा। और जब तुम्हारे, तो उस मृगारी ने कहा, नहीं मुझे तो अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे मेरा ये ऑक्यूपेशन है, जन्मों पीढ़ियों से हमारा ये ऑक्यूपेशन चले जा रहा है। तो फिर नारद मुनि ने कहा, क्या ये जो आप कर्म कर रहे हो, जो आप बुरे कर्मों का चक्कर में फंस रहे हो, क्या आपके घर वाले इसमें आपका साथ देंगे? तो मृगारी ने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हारे बुरे कर्मों में आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। तब मृगारी को ठनका और उसका हृदय परिवर्तन हुआ, जब वो नारद मुनि, जो एक शुद्ध भक्त है भगवान के, उनके संपर्क में आए, और तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भगवान की भक्ति में बढ़े। ठीक है, तो ऐसे जैसे भरत महाराज है, वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ भरत महाराज। भरत महाराज की कोई बता सकता है शॉर्ट में व्हाट हैपेंड टू हिम? एनीवन कैन से? भरत महाराज जो थे, कोई हरिन के ऊपर अशक्त हुआ था जी, हरिन के ऊपर अशक्त हो गया था, तो इसके हाँ। बाद उनको जो मोक्ष जन्म मिला था, हरिन का जन्म मिला था, उनको याद था हाँ। जो हम पहले जन्म में हमने कोई भगवान को भक्ति किया था, तो वो शांति हुई है। तो उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की थी, लेकिन क्या हुआ, उनके आसक्ति एक हिरण में आ गई, तो इसीलिए उन्हें वापस जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे ही उनकी एसोसिएशन हिरण से हो गई। यही अगर हमारी एसोसिएशन ऑलवेज डिवोटीज के साथ रहे, हमेशा भक्तों के साथ रहे, तो हमारा जीवन ऑलवेज will be on the positive side in the service of the Lord. Okay, so now as I said to you, the light of the moon on the Taj Mahal also appears to be beautiful. And the same light in the wilderness, मतलब जो ताजमहल पे जब भगवान, जब मून की लाइट आती है तो बहुत सुंदर लगता है, और वही लाइट अगर फॉरेस्ट पे आती है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान की कृपा जो मून है वो हर जगह है, इट इज डिपेंडेंट ऑन हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हाउ वी मेक यूज ऑफ द कृपा ऑफ द लॉर्ड। सो देर आर फोर वेज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ द कृपा ऑफ द लॉर्ड। It is A, B, C, D. Very easy. Everybody knows it. Can you tell me? A for? Association. Very, very important. हमें हमेशा भक्तों के association में रहना है, कि कभी भी हम थोड़ा divert हो तो devotee हमें पकड़ के ले आए। एक शिला प्रभुपाद जी के लंदन में एक भक्त थे, तो वो भक्त
रात को लंदन के स्टेशन पे जाके सो जाते थे। तो शिला प्रभुपाद एक टाइम वहां आए तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम क्यों, मैं आया हूँ इधर और तुम रात को स्टेशन पे जाके सो जाते हो। तो उसने कहा कि नहीं प्रभुपाद जी, मेरे भक्तों के साथ मेरी बनती नहीं है तो मैं इसलिए वहां जाके सो जाता हूँ। देन शिला प्रभुपाद सेड दैट तुमको स्वतंत्र बनना है, क्या तुम खुश हो स्टेशन पे जाके सो के? तो भक्त ने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि पुलिस मुझे उठाती है डंडा मार के कि यहाँ से उठो, फिर मैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, इधर से उधर भागता रहता हूँ। लेकिन अगर वो ही थोड़ा एडजस्टमेंट करके अगर वो भक्तों के बीच में रहता है तो वो कितना सुखी रहेगा, है ना? सो एसोसिएशन, सो बी इज वॉट बुक्स, रीडिंग शिला प्रभुपाद, श्रीमद भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतामृत, स्मॉल बुक्स, बिग बुक्स, व्हाटएवर यू ऑल लाइक, यू ऑल शुड रीड, वी ऑल शुड रीड शिला प्रभुपाद बुक्स। एनी प्रॉब्लम वी हैव, अगर हम भगवत गीता खोलेंगे आर आंसर वी विल गेट। इट इज सो सिंपल, सो नाइस। दिस बुक्स, दिस भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, हमारे इट इज अ रिफ्लेक्शन। कुछ भी तकलीफ हो यू विल गेट द आंसर इन भगवत गीता। So B and C is what? Chanting. Chanting, chanting the holy name. Chanting, it's said in the Srimad Bhagavatam, जहाँ पर भगवान का यज्ञ नहीं हो रहा, नाम संकीर्तन नहीं हो रहा, जहाँ पर भगवान का glorification नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो जगह सूखी, it's like a barren land. There is nothing there. वहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं है, वहाँ पे कोई उपजाऊ चीज नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम की बारिश होती है, वहाँ पर हम वहाँ पर खेती आती है, वहाँ पर ग्रीन ट्रीज उगते हैं, ग्रीन प्लांट्स उगते हैं, वहाँ पे सब लश ग्रीन ग्रास होता है, एवरीथिंग बिकम्स लाइवली, है ना? ऐसे जैसे एक बारी रावण ने मरीच को बुलाया, ठीक है, और रावण ने मरीच को कहा कि मरीच मुझे सीता माता का अपहरण करना है, तो तुम राम का रूप धारण करो और उसे ले आओ। तो मरीच ने कहा, मरीच को पता था कि राम कौन है, सीता माता कौन है, आई थिंक बिकॉज उनका एक प्रीवियस एक उनके साथ में कोई एक्सपीरियंस था। सो ही सेड टू रावण, रावण आप तो मायावी हो, आपके पास मायावी शक्तियां हैं, तो आप क्यों नहीं खुद ही राम बन जाते, या आप क्यों नहीं आप राम का जप करते हो खुद ही? तो आप राम का जप करोगे तो आपको सीता माता मिल जाएगी, आप उनका हरण कर पाओगे, ऐसे मरीच ने कहा। तो रावण भी, जो ये हिरण्यकशिपु या रावण, ऑल दीज आर असुर्स, असुर भी, उनके पास भी इतनी बुद्धि होती है। तो व्हाट ही टोल्ड मरीच, ही सेड के क्या बोल रहे हो मारिच, अगर मैं राम का नाम लूं और राम के बारे में स्मरण करूं तो मैं सीता माता को माँ के रूप में देखने लगूंगा। ऐसे हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है टेकिंग द नेम ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ही सेड मैं सीता माँ को, सीता को माँ के रूप में देखने लगूंगा, ऐसे। सो वी हैव टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड सो दैट वी कैन क्लियर द मेस इन आर हार्ट। डू वी हैव मेस इन आर हार्ट और वी डोंट हैव मेस इन आर हार्ट? We have so much kachra we have, right? It is said here that similarly the living entities appear to be tainted by material qualities like illusion, by lamentation, by miseries. अरे मुझे ये चाहिए था, काश मेरे पास ये होता, I should have got this, I don't have this, this is lamentation. When, how this comes? Although in the pure soul such qualities are not there, in the pure soul ये qualities नहीं है, but क्योंकि हमारा association वो पानी के साथ हो जाता है, जो material पानी है, जो up and down हो रहा है, तो हम भी up and down होते हैं और हम स्थिर नहीं हो पाते, right? So A, B, C and the last one is diet. डी, हाँ, थैंक यू प्रभु, डाइट। सो डाइट मींस व्हाट, कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी? भगवान का प्रसाद माताजी, हमें सभी को भगवान का, यस, थैंक यू माताजी, भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद। डिड यू मेक पानकम एनीबडी ऑफ यू ऑल फॉर नरसिम्हा भगवान यस्टरडे? नो
Kunjeshwari Mataji made Panakam. So like this small things, whatever the Lord likes or whatever we can offer, like Radharani likes Arbi, so Radha Ashtami mein Arbi. Even on daily basis, we have whatever we cook, we have to offer and eat Krishna Prasad. So ye A, B, C, D, all these things we need to follow. And jab hum ye sab cheeze follow karte hain, to humare hriday mein anarth jo hai, wo anarth. What is the meaning of anarth? अनर्थ क्या होता है? माता जी, ये काम, क्रोध, मोह. हाँ, yes. All the negative qualities are अनर्थ. जैसे जिसका कोई अर्थ ना हो उसको अनर्थ बोला जाता है. ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको अनर्थ बोला जाता है. तो हमारे हृदय में अगर अनर्थ होंगे तो हम अच्छी चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे. जैसे हम एक अनाथ है, ठीक है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान की चैंटिंग करते हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हम डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति, जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं कि दैट ओ प्रभु, ओ माता जी, यू नो आई गॉट दिस रियलाइजेशन टुडे, आई फेल लाइक दिस, देन दैट अदर माता जी एंड अदर प्रभु विल टेल आई गॉट दैट रियलाइजेशन, बिकॉज कृष्णा इज एवर रेडी टू रेसिप्रोकेट, एंड व्हेन ही इज रेसिप्रोकेटिंग हमको वो रियलाइजेशन मिलती है. एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट दैट रियलाइजेशन विद ईच अदर, then that is guhyam akhyati prachyati. We are talking to each other, devotees, we are talking. And when all this we do, why was I saying this? So when we do all this, then the anarthas in our heart, which is the unwanted things in our heart, they get washed away. They get ekdam clear ho jate hain. Theek hai? So we all have birth, old age, disease, and birth, old age, disease is our problem of our life, hai na? All of us have this. So we can get out of this birth, old age, disease and death, sorry, death also. By how? By chanting the holy name, by doing bhakti of the Lord. And we should have greed. We should have lolium for the bhakti. If anyone gives us any seva, we should have lolium. We should feel greedy that, okay, let me take this seva. Let me do this seva. I want to do this seva. So when we do this, this is a small step. These are baby steps that will help us to get into our bhakti and get into the mood of serving the Lord. Aap logon ne kal seva ki hogi kuch? Ki thi sabne seva kuch na kuch? Mataji's, Prabhuji's for Narsimha Chaturdashi. You all, yes, did seva in the temple. Prabhuji, you can tell me what seva you did. Yes, ma'am. Yeah, Mataji. In the morning, I offered boga for this panakam for Lord Narsimhadev. Yeah. And all day we heard for Narsimha's glorification and Bhagwan Narsimha. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, Himangi, Radha Mataji. Hare Krishna, Mataji. I did turban for Balram. Hare Krishna, Hare Krishna. Very nice, very nice. Today I am also going for turban class to learn how to make different turbans for the Lord. Very nice. So, aise hi humko seva milti hai, and then what happens when we teach this seva to others? Then also the Lord is very happy, because Krishna wants us to, what we teach our children, no, sharing is caring. So whatever qualities we have, हमें भगवान की सेवा में शेयर करना है, एंड नॉट बी कृपण एंड जस्ट कीप एवरीथिंग टू आर सेल्फ एंड नॉट थिंक दैट वी आर द मास्टर. जैसे आई गॉट वन एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है छोटा, ठीक है, 4-5 साल का बच्चा है, तो वो अपनी माँ को कहता है कि मम्मी आज आप किचन के बाहर रहो, आज सारा खाना मैं बनाऊंगी. सो इज इट पॉसिबल, कैन शी डू दैट? No, she cannot do that. So what the mother does, the mother brings one kitchen set for her and gives her. So kitchen set mein wo khelti hai apna jo bhi usko ichha hai karne ki, wo khelti hai aise. And then at 12 o'clock when she's hungry, she will go to the mother.
So the mother will say, what happened? You wanted to cook everything. So it's not possible, right? Like this, for us, Jiva, we are playing with the kitchen set, but we cannot grow food. We cannot grow these vegetables. We cannot do all this. We because the main Pita, Bij Pita is Krishna, the main owner, the main, the creator of all this is the Lord. We cannot create. We can create mobile phones, right? That also, it gives so much distraction. You know, everybody knows that mobile phone is the biggest distraction. Of course, if we use it in the service of the Lord, it's very good. But with regards to children, a mobile phone is the biggest distraction. We could live without it also. So like this, if we utilize everything in the service of the Lord and we do the A, B, C, D, and then we can always live a happy life without anarthas and go back home, back to Godhead. Then in this, yahan par likhte hai last mein. So, the quivering quality, jo quality hai, of the moon is also variable. Matlab, कभी कभी ये क्विवर करता है, कभी कभी ये शांत रहता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉटर. अगर वॉटर स्थिर है तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी स्थिर रहेगी, और अगर वॉटर हिल रहा है तो वो रिफ्लेक्शन भी हिलता है. सो व्हेन द वॉटर इज स्टैंडिंग स्टिल देयर इज नो क्विवरिंग एंड अ मोर सेटल कंडीशन सोल क्विवर्स लेस, बट ड्यू टू मटीरियल कनेक्शन द क्विवरिंग क्वालिटी इज मोर और लेस प्रेजेंट एवरीवेयर. बट अ settled conditioned soul, he quivers less. Who is a settled conditioned soul? Agar hum tilak lagate hain, dhoti pehnte hain, kanthi hai, saadi hai, is that a settled soul? Dekhe, are wah, Mataji, Prabhuji, so nice they are wearing all this and they are so dedicated. It's not like this. A conditioned, settled soul is a sadhu. What is the ek sadhu ki kya? What can we say? How do I recognize a sadhu? Kaun bata sakta hai? Hare Krishna Mataji, sadhu, he should be humble, very sincere. Mm-hmm. Very sincere, yes. Thank you. But most of sare quality hai. Yes, most of sare quality hai sadhu. Ji. Sarvadev Prabhu. He should be humble. Yes, he should be humble. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Sarvadev Giridhari Prabhuji, aapne bhi hath raise kiya tha. Hare Krishna Mataji. Mataji, he always wo hamesha dusro ke welfare ke liye wo kaam karega. Matlab dusra ke liye kya acha hai. Aur is spiritual uske liye he will advise. Correct. So, sadhu ko hum uske outer बेस के से हम उसको जज नहीं कर सकते. वी शुड मीन साधु मीन्स उसका दिनचर्या क्या है, उसका व्यवहार क्या है, हाउ इज इज रिलेशनशिप विद द डिवोटीज, हाउ इज इज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, हाउ इज यू नो हिज लाइक यू सेड हाउ इज हिज आदान प्रदान एंड हाउ इज हिज व्हाट इज हिज एक्टिविटीज. व्हाट इज द श्लोका इन श्रीमद भागवतम, यत यत आचरति श्रेष्ठ, व्हाट इज हिज आचरण. ऑल दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड Who is a sadhu? So, यहाँ पे लिखा है कि a conditioned sadhu will not do damadol. When some material problems will come in our life, it depends on our bhakti, how strong we are. If we understand that ये material world है, यहाँ पर दुखालयम है, यहाँ पे आएगा, सब मुसीबतें आएंगी, we have to tolerate. What is the shloka of Nectar of Instruction? Anyone can tell me? Very nice shloka. Vacho vegam. Yes, bolie, please bolie, pura bolie. Vacho vegam, manasa vegam, krodha vegam, jiva vegam, udar upastha vegam, etan vegan yo vishate dhira, sarvam abhivam prithvim sa shishyat. Hare Krishna, thank you very much, Prabhuji. Jiva pavan God das Prabhu, thank you. Hare Krishna. So a sober person who can tolerate the urge to speak, correct? So urge to speak, demands of the mind and the actions of anger and the urges of the tongue,
the belly and the genitals is qualified to make disciples all over the world, a sober person. So of course, slowly we can get to these qualities by doing bhakti, by doing Krishna bhakti, by showing interest in the different ways of doing bhakti, shravanam, kirtan, whatever suits your personality, aap us hisab se bhakti karenge to aapki bhakti badhegi, and we will slowly not get disturbed by the material slaps that we get every day. We get so many slaps in this material world, to hame fir pata lagega ki ye hona hi hai, and this is the Lord's mercy. And of course, problems will always come. हमको बोला जाता है ऐसे कि भक्ति करनी है तो आप problems will reduce, intensity of the problem will reduce, problem will come, but हमारी जो क्षमता है उसको tolerate करने की वो बढ़ती जाती है. हरे कृष्णा, thank you. I would have missed anything, जी प्रभु जी, please बोलिए. प्रभु जी हरे कृष्णा बोलिए जी. पावन गौर प्रभु हरे कृष्णा. यस माताजी, माताजी देयर आर सम डिवोटीज सेवा, एडिशनल स्पीकर सेवा, सो वंस दे फिनिश आई विल आस्क माताजी. आई हैव वन क्वेश्चन. हरे कृष्णा. यस बोलिए. हरे कृष्णा जी, प्लीज बोलिए. जिन्होंने हाथ उठाया प्लीज बोलिए. हरे कृष्णा माता जी, राधा माता जी, दंडवत माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्त को दंडवत प्रणाम. माता जी बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है एंड आपने बहुत ही सुंदर बताया माता जी, एक्सप्लेन किए, थैंक यू माता जी. और ये जो भगवान के हमें सुने, आज सुनने को मिला थे भगवान जो हमें भगवान के इधर श्लोक में वो मून के साथ मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं, तो मून का जो लाइट है बहुत ही सुंदर सोबर लाइट, ये मून का लाइट हमें भगवान का लाइट जो है ये सभी के ऊपर समान एक ही में पड़ते हैं, लेकिन ये कैसे अलग होता है, क्योंकि हमें जो मटेरियली हम डिस्टर्ब है इसलिए ये हमें सुंदर तरीके से दिखते नहीं, मतलब जीभ के ऊपर जब ये भगवान का कृपा पड़ता है कि ये कृपा मतलब जैसे ले नहीं सकते माता जी, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उनका ये सब मटेरियल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इल्यूशन, लैमेंटेशन, मिजरीज, ये सब नहीं होता. लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है जैसे कि हम है माता जी, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है. भगवान का कृपा वैसा सभी जीव के ऊपर है, लेकिन हमें वो मतलब फील नहीं कर पाते हमेशा, बिकॉज कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो हम सोचते हैं हम भगवान को इतना पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें क्यों इतना सारा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमें ये फील होता है. और जो नहीं भक्ति करते वैसा है उनका तो जीवन अच्छे ही चल रहा है, तो हमें क्यों हो रहा है, मैं तो भक्त हूँ, ऐसा हमें बहुत सारे बार सोचने में आता है. लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें अनर्थ और ये जो हम भक्ति करते हैं धीरे धीरे ये कटेगा और प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बहुत सारे आएंगे. भक्त है तो क्या है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे लाइफ में, और हमें ये भगवान के ऊपर भक्ति करते हुए, भक्त के एसोसिएशन में रहते हुए, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हुए, ये सब कुछ करते हुए हमें भगवान के आशीर्वाद से ये हमें भगवान ही पावर दे देंगे, तो हमें ये दुख टॉलरेट करने के लिए. और ये जो आपने बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि अम्बरीश महाराज का एग्जांपल है, अम्बरीश महाराज से हमें ये सीख मिलता है कि उन्होंने अपना सब इंद्रिय भगवान के सेवा में लगा दिया, तो हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी हमारा सब इंद्रिय भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि आंखों से हम भगवान को देखेंगे, भगवान का इतना सुंदर मनमोहक रूप देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, तो इससे हमारा हृदय का कलमस थोड़ा थोड़ा, अनर्थ सब कुछ ही थोड़ा 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 दूर होके हम भी शुद्ध, हम भी अच्छा भक्त एक दिन बन सकते हैं.
और जब ये अजामिल का भी एग्जाम्पल था माता जी, जैसे कि अजामिल भी भक्त थे लेकिन अजामिल कुछ समय के लिए वो एक अलग एसोसिएशन में पड़ गए, इसलिए उनका भक्ति थोड़ा कम हो गया। तो लेकिन फिर भी जब वो नारायण का भगवान का नाम पुकारा तो उनका फिर अच्छी गति हो गया। फिर मृगारी का भी एग्जाम्पल हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो जो नारद मुनि क्योंकि शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त के संस्पर्श से आने से क्या होता है, हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में, बहुत कृपा उनके होता है बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज। और प्योर डिवोटीज में कभी भी ये इल्यूशंस वो सब नहीं रहते, एकदम भगवान का कृपा हमेशा स्थिर रहते हैं। तो हमें इससे भी बहुत कुछ सीख मिलता है कि हमारा जीवन में जैसे कि नारद मुनि बहुत सारा ये निगारी स्टोरी है, तो इससे हमें कुछ बहुत सीख मिलता है माता जी। और भरत महाराज भी जो है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा जीवन में कुछ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, मोह हो एक होगा तो माता जी हम लोग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माया में बढ़ जाएंगे तो भगवान से हम दूर चले जाएंगे। तो हमें बहुत भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि, और अब जो ये ABCD हम बहुत सुंदर है, ये ABCD जो है एसोसिएशन बुक्स कैंटिंग एंड डाइट, और डाइट से माता जी हमें हमेशा भक्त को तो भगवान का प्रसाद हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का कृपा रहता है इसमें, इसमें से हमारा थोड़ा थोड़ा सात्विक थोड़ा थोड़ा वो जो अलग सा और जो भाव होता है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। हम धीरे धीरे सात्विक भाव मन में, मतलब जैसे हम डाइट लेंगे वैसा ही मन का भी मतलब होगा, मन ऐसा ही होगा, मतलब सात्विक आहार लेने से भगवान जैसा अन्न वैसा मन। थैंक यू माता जी। तो ये सब हमें ये श्लोक से हमें ये सब सीखने को मिला माता जी, बहुत ही सुंदर था। आप जो बताया ना श्रील प्रभुपाद का जो वो भक्त लंदन में वो स्टेशन में जाके सो जाते हैं, तो हमें इसमें से और एक सीख मिलता है कि जो भक्त के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मनमानी नहीं करना चाहिए कि मैं ये बोला वो क्यों नहीं ये सुन रहा है कर रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ये एडजस्टमेंट कभी कभी हमें करना चाहिए तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं। और जो भगवान के और चैंटिंग बहुत अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। और रावण के बारे में माता जी थोड़ा आपने जो ये बताया कि रावण अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो माता सीता सीता माता जी को वो जिस नज़र से देखते थे रावण तो वो नहीं देख पाएंगे, उसके भगवान के नाम लेने से उसका मन का शुद्धि हो जाएगा, फिर सीता जी को माता जैसे रूप में वो देखेंगे तो ये रामायण का ये पूरा जो फाइटिंग था ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये शायद भगवान का ये प्लान था इसलिए नहीं हुआ। और माता जी अपना अपने जो बताइए जो ओल्ड एज डिजीज डेथ ये सब हमारा जीवन में सभी का भक्ति अभी जीवन में आता है, सभी का जीवन में आता है। तो हमारा अगर भगवान के डिवोटीज हम अच्छा बन सकते हैं, जैसे कि हमारा ये भगवतम के सब ये एग्जांपल्स फॉलो करते हुए, तो हम ये धीरे धीरे भगवान का पावर से हमें ये टॉलरेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से भगवान का भक्ति चला सकते हैं, भगवान का अच्छे भक्त बन सकते हैं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। जीव पावन प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यप्रणाम, आनंदमय माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस श्लोक को समझाए, मतलब जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, पर आपने बहुत अच्छे से का थोड़ा टेक्निकल है, मैं भी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। यस माता जी, माता जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें, लेकिन मेरा एक यहाँ पे जो अनुवाद है ना वहाँ पे मेरा एक डाउट है, इसमें जो प्रभुपाद बताते ना ये उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है, तो माता जी इसमें पदार्थ किससे कंपेयर किया गया है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे माता जी। जैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर से हम उसको
मैच करते हैं, जो हमारा इल्यूजन है, जो हमारी जो क्वालिटीज, जो ये निर्गुण, जो हमारे गुण है, अवगुण बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, ये जो है हम उसको अपने शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर से इसको इसको कनेक्ट करते हैं. तो हमें इसको कनेक्ट नहीं करना है एंड वी हैव टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दिस, जो ये पानी का ऊपर नीचे हो रहा है. हमें समोम सर्वभूतेषु रहना है, इक्वल ना खुशी में. व्हाट इज द श्लोका दैट सेज, वो सुख में दुख में, शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो नित्य ताम स्थितिक्ष्व स्वभारता. I can't remember the beginning. I haven't said that shloka from a long time. शीतोष्ण सुख दुख दा मात्र स्पर्शास्तु. यस, थैंक यू प्रभु. मात्र स्पर्शास्तु कौन थे. माता जी आप समझे. यस यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हिमांगी राधा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी. बहुत सुंदर क्लास था. टेक्निकल वर्ड्स था लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसे बहुत टेक्निकल एंड दैट टू वेयर लाइक हमें सबको आपने उसमें चांस दिया बोलने का. मीन्स टू वे कम्युनिकेशन क्लास था. सो इट वॉज नाइस माता जी. आपने माता जी बिगिनिंग में कहा कि विषय आसक्ति जो है वो हमें बांधी रखती है ना. तो हमारे डिजायर्स और बंधे रहते हैं एंड हम जो है वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में हम एंटेंगल होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द डिजायर्स. लाइक पॉइंट आपने अच्छे से समझाया माता जी. और अगर उसका आपने सॉल्यूशन भी बताया एट द सेम टाइम. आपने कहा कि अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो ये विषय आसक्ति है वो कम होते जाएगा. और भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित है, वो स्थिर है. तो हमें आपने जैसे अभी माता जी के क्वेश्चन का आंसर दिया कि इस वर्स में बोला है, कहा गया है कि परपट में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आत्मा जो है वो विशुद्ध है ऑलरेडी, बट वो मटेरियल वर्ल्ड में हम आने से वो मैटर के जो गुण है वो आत्मा लेने लगता है. इन द सेंस व्हाट, कि हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर से हम कनेक्ट करने लगते हैं. और आपने उसका भी आंसर अच्छे से बताया कि हमें सेवा भाव अगर होगा और अगर हमें ये फिलोसॉफी मतलब ये ज्ञान चक्षु से अगर हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा ये भी इल्यूजन दूर होता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. एंड इसके ऊपर हमें बहुत अभ्यास करना है. इजी है बहुत बोलना, पढ़ के बोलना बहुत इजी है. टू डू उसका यू नो यू हैव टू वॉक द टॉक. It's like this. Yes. You have to walk the talk. It is very tough. Only it is possible by the kripa of the Lord and your also effort. Jaise Damodar Leela mein hamari effort aur Krishna ki kripa chahiye. It is very difficult. Very difficult. But thoda thoda baby steps, as I said, you have to take. Yes, yes. Very true, Mataji. Aur uske liye, with this baby steps, we need Ahaitu ki kripa. हमें साधु संतों की, भक्तों की, वैष्णवों की, हमें अहेतु की कृपा जब होगी कृष्णा की, तभी हम हमारा जो थोड़ा लिटिल एफर्ट से उसको मीनिंग आएगा. जैसे आपने नारद मुनि की कथा बताई, एक छोटे से एफर्ट से भी अगर चूंकि नारद मुनि जी का एसोसिएशन मिला इसीलिए वो आगे बढ़ पाए. तो वो अहेतु की कृपा हमें मिलने के लिए आपने जैसे कहा ओनली एंड वन ओनली सोल्यूशन फॉर दिस सेवा. वैष्णवों की सेवा जितना करोगे, कृष्ण की सेवा जितना करोगे, उतना ही धीरे धीरे ये कृपा हम तक पहुंच सकती है माता जी. और इस श्लोक में बेसिकली क्विवरिंग ऑफ वाटर जो बताया है, जो वाटर असंतुलित है उसको, उसके बारे में, इट्स लाइक अ इल्यूजन ओनली जो हमारे लाइफ में, इट्स अ इल्यूजन कि हम इस इल्यूजन में ही बैठे हुए कि वी आर दिस बॉडी, है ना, कि कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छे से गा रहा है, कोई मतलब कितने अच्छे अच्छे गुण है मटेरियल हम में सब में, तो हम वही समझते कि वही वो. अगर मेरा आपका कोई नाम लेंगे तो हमने आपको वीडियो में देखा है तो वही हमें याद आएगा. फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई यू एज योर बॉडी. अनलेस वी हैव द आध्यात्मिक ज्ञान है हमें, तब हम आपके स्पिरिचुअल क्वालिटीज के बारे में भी सोचेंगे एंड वी विल रिमेम्बर. सो माता जी ये आपने बहुत अच्छे से समझाया. और आपने अपने ये भी कहा कि साधु जिसका मन स्थिर है वो साधु होता है, और उसकी क्वालिटीज भी आपने अच्छे से बताई माता जी. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Are we done? जी पवन प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. जी माता जी. माता जी बहुत अच्छा आपने समझाया माता जी. साधु साधु आपको
और सभी एडिशनल स्पीकर को और आनंदमय ने अच्छा प्रश्न पूछा। माता जी जिज्ञासा ये थी कि ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी मोनिस्टिक फिलोसॉफी के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे तात्पर्य में मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। ये उसके पहले का लाइन है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठे हैं और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। तो माताजी ये जो मोनिस्टिक फिलोसॉफी जो इंग्लिश में है, माताजी इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताएंगे। प्रभु जी, द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन और मून इज एक्सेप्टेड एज द रियल सन और मून बाय लेस इंटेलिजेंट पीपल। ओके, द रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन पानी पे गिर रही है वो जो मायावादी है या लेस इंटेलिजेंट है, वहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो समझते हैं, वो भी इल्यूजन में जाते हैं और समझते हैं कि ये रियल सन है और ये रियल मून का रियल मून ही है। वन सेकेंड, आई मिस द लाइन। ओके, एंड द प्योर मोनिस्टिक फिलोसफी डिवेलप्स फ्रॉम दीज आइडियाज। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्या समझ में आया कि इनको लगता है कि ये जगत ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है, अच्छा बुरा इसमें है, अपना कर्म करो और अच्छे होके और निकल जाओ। देर इज नो री इनकारनेशन, देर इज नो री बर्थ, देर इज नो फर्दर लाइफ आफ्टर लाइफ, देर इज नो नथिंग लाइक दिस। They want to say that, you know, this is the monistic philosophy. But there is life after this. We have to do our karma properly. So we have to do bhakti properly and then move on and upgrade ourselves. Gopi Manohar Prabhuji, is that right what I said? Or anyone, Prabhuji, I think this is the answer. I'm not sure. Jivan Prabhu? पूरे जगत में ही सब कुछ है, अच्छा बुरा। दे डोंट थिंक माधव सेवा इज मानव सेवा, दे थिंक मानव सेवा इज माधव सेवा, लाइक दिस। They say build temples, build hospitals, do good to people, like this. But what we do prasad vitran, food for life, so that it becomes food for soul. Yeah, correct, Mataji. वो लोग भगवान में जो है भगवान का निराकार रूप का सेवा करते हैं, लेकिन वहां पे कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर वो ऐसे जैसे रूपा जी का यू वर्ड यूज करते हैं, फिलैंथ्रोपिक सेवा में लग जाते हैं, कुआं खोदना, हॉस्पिटल्स बांधना, लोगों का कंबल बांटना। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो करना चाहिए, लेकिन ये समझते हैं कि दिस इज टॉप मोस्ट। हम लोग जो है वी यूज दिस एज ए प्रीचिंग टूल, लोगों को ये भी देते हैं, बोलते हैं एक बार एक माला भी जप लो साथ में आप लोग। So, yes. We also do just a food for life है, हमारे ही बहुत सा activities है, but that is a tool for us to reach people. But for them, this is topmost. मतलब यही सब कुछ है और उसमें और सारा जो है main उद्देश्य यही है, main मतलब उनका जो वापस इसमें पढ़ने का कारण यही है कि they don't enjoy the सेवा। क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, बस खाली मतलब आंख बंद करके बैठे रहो तो आदमी कितना बार बैठा रहे, कितना देर बैठा रहेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते ना कि नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठति या कर्म करत, एक क्षण के लिए भी आदमी जो है वो नहीं बैठ सकता। तो ये जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है, तो ही हैज टू बी एक्टिव एंड ही कैन नॉट बी इनएक्टिव। लेकिन इनका जो जो इनर्टनेस है दैट मेक्स हिम कम डाउन अगेन टू लोअर प्लेटफॉर्म्स। जी कौन प्रभु जी, दिस वाज योर क्वेश्चन और यू वांटेड टू नो समथिंग एल्स? सॉरी प्रभु। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने इसका एक ये जो शुद्धत्वेत दर्शन है, मोनिस्टिक फिलोसॉफी है, उसके बारे में आपने समझाया है प्रभु जी, माता जी थैंक यू, हरे कृष्ण।